नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 10 स्टेट हाईवे बनाने के लिए केंद्र ने दी मंजूरी। MBBS सीटों पर एडमिशन के लिए इस दिन से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद मारा गया आदमखोर बाघ। शिक्षकों के वेतन में आई गड़बड़ी, जल्द होगी दूर। भारतीय टीम के लिए आज होगा करो या मरो का मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SPMCIL ने 83 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL हैदराबाद ने विभिन्न ट्रेड में जूनियर टेक्नीशियन और फायरमैन के कुल मिलाकर 83 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित ट्रेड में ITI या 10th पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.spmcil.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में 10 स्टेट हाईवे बनाने के लिए केंद्र ने दी मंजूरी। बिहार में 10 स्टेट हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से बनने वाली इन सड़कों के लिए नीतीश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी ने कुल 500 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। इन सड़कों के बनने से भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत 13 जिलों के लोगों को सीधा लाभ होगा। बता दें कि इन सड़कों के अलावा मुजफ्फरपुर में हथौड़ी आथर बभनगामा और राई पथ में आथर बभनगामा के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच तटपथ का निर्माण होगा। सभी SH का निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे ललित मोहन शर्मा की। ललित मोहन शर्मा भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश थे। वह भारत के पूर्वी अटॉर्नी जनरल LN सिन्हा के बेटे थे। उन्होंने 18 नवंबर 1992 से 11 फरवरी 1993 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। ललित मोहन शर्मा का जन्म 12 फरवरी 1928 को बेलागंज गया के मूसी गाँव में एक जमींदार के परिवार में हुआ था। उनके पिता लाल नारायण सिन्हा यानी LN सिन्हा 17 जुलाई 1972 से 5 अप्रैल 1977 तक इंदिरा गांधी और भारत के सॉलिसिटर जनरल के प्रधानमंत्री शिप के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल थे। उनके बेटे जस्टिस पार्थ सारथी वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। आज शरद पूर्णिमा के रात आसमान से होती है अमृत वर्षा। हिंदू पंचांग में सर्वाधिक धार्मिक महत्व रखने वाली शरद पूर्णिमा आज है। यही से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, जिसे आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस उत्सव को कौमुदी अर्थात चंद्र प्रकाश अथवा मिथिलांचल में कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मिथिलांचल में इस दिन को नवविवाहित जोड़े बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत के कई राज्यों में शरद पूर्णिमा को फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाते हैं। शरद पूर्णिमा 2022 के दिन चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली रश्मियाँ यानी किरणें अद्भुत स्वास्थ्यप्रद तथा पुष्टिवर्धक गुणों से भरपूर होती है। साथ ही यह मान्यता भी है कि इस दिन चंद्र प्रकाश से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन खीर बनाकर इसे चंद्रमा के सभी सकारात्मक एवं दिव्य गुणों के लिए इस मिष्ठान के बर्तन को चंद्र प्रकाश के सीधे संपर्क में रखते हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में अगली सुबह वितरित किया जाता है। MBBS के सीटों पर एडमिशन के लिए इस दिन से रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। NEET UG 2022 की परीक्षा में सफल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अहम सूचना है। मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए 11 अक्टूबर से सफल अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इस विषय में 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार को 85% मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर एडमिशन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया जा सकता है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू होगी। स्टूडेंट्स को 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। वहीं 22 से 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। यह जानकारी BCECB के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने दी है।
इन ट्रेनों में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए सीटें हुई आरक्षित। बिहार के गौरवशाली इतिहास व धार्मिक महत्व से रूबरू होने के लिए देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को बिहार सरकार खास सुविधा देने जा रही है। बिहार के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व से जुड़े स्थलों की यात्रा के लिए पहली बार दो ट्रेनों में 12 सीटें पर्यटकों के लिए आरक्षित की गई है। ये खास पहल IRCTC ने की है। इसमें बिहार के खास पर्यटक स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें सीतामढ़ी व दरभंगा के अलावा बोधगया के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के स्थल शामिल हैं। यहां यात्रा 5 दिन और 4 रात की होगी। बताते चले कि हावड़ा से गया के लिए प्रत्येक शुक्रवार को गाड़ी संख्या 13023 में 3 AC कोच में 6 सीट आरक्षित की गई है। इसके अलावा पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से हावड़ा के लिए चलने वाली ट्रेन नंबर 12342 में भी 6 सीटें बिहार आने वाले पर्यटकों के लिए आरक्षित की गई है। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद मारा गया आदमखोर बाघ। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व VTR में पिछले महीने से ही आसपास के इलाकों में आतंक मचाकर रखे आदमखोर बाघ को बीते दिन बिहार STF की टीम ने मार गिराया। शनिवार को लगातार तीसरे दिन आदमखोर बाघ ने एक महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे पर हमला कर उनकी जान ले ली। इससे पहले आदमखोर बाघ ने 7 लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद वन विभाग ने इस आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दिया था। वन विभाग की 400 से ज़्यादा लोगों की टीम कई घंटों से बाघ को मारने की तलाश में जुटी थी। इसके बाद बीते दिन सुबह बिहार पुलिस के चंगुल में आदमखोर बाघ फंस गया। वो गन्ने के खेत में घिर गया, खेत में ही काफ़ी समय से छुपा रहा। लगभग 7 घंटे तक ऑपरेशन के बाद पुलिस ने बाघ को गोली दाग कर मार गिराया। इस ऑपरेशन में STF के जवान भी शामिल थे। नोरू चक्रवात के प्रभाव से 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना। नोरू चक्रवात के प्रभाव को लेकर मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली की ओर से बिहार सहित देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 1-2 दिनों में भी बिहार के मौसम पर इसका आंशिक असर दिख सकता है। वहीं धीरे धीरे मॉनसून के लौटने की उम्मीद है। वहीं लगातार बारिश के कारण राज्य में ठंड जल्द ही आ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मॉनसून की वापसी 13 से 15 अक्टूबर तक होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं। मॉनसून ट्रफ लाइन इस समय प्रदेश के तटीय इलाकों में तेलंगाना में चक्रवात के हालात बने हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड तक पहुंच रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे में 14 जिलों में बारिश, बादल गरजने और वज्रपात की संभावना है। शिक्षकों के वेतन में आई गड़बड़ी, जल्द होगी दूर, गठित हुई टीम। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालाध्यक्षों के वेतन भुगतान में आई गड़बड़ी को जल्द ठीक किया जाएगा। बता दें कि शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों को 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि का निर्णय लिया था। इसके बाद विभाग ने 12 नवंबर 2021 को पे कैलकुलेटर के आधार पर मूल वेतन निर्धारित करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद सैकड़ों ये शिक्षकों के खाते में अपने से कनीय शिक्षकों का वेतन चला गया। वहीं बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपने समकक्षों से कम मूल वेतन निर्धारित हो जाने की शिकायतें की। जिलों से आपत्तियों को लेकर लगातार सूचनाएं मिलने के बाद 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है और इस समस्या का जल्द ही निपटारा किया जाएगा। CM नीतीश ने लाखों लोगों को दी गंगा जल की सुविधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत राजगीर डिटेंशन टैंक से गया के तेतर जलाशय में पानी पहुंचने के ट्रायल रन का निरीक्षण किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। 18.633 MCM जल भंडारण वाले इस जलाशय से गया और बोधगया में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। गंगा जल के एकत्रीकरण के लिए तेतर जलाशय और गंगा बोधगया जलापूर्ति योजना का काम पूरा हो चुका है। गंगा जल लाने के लिए हाथीदह मुकामा से मोतनाजे नवादा तक 85 किलोमीटर, मोतनाजे से तेतर 23 किलोमीटर, मानपुर 28 किलोमीटर, कुल 151 किलोमीटर तय कर मुकामा से बोधगया तक पाइपलाइन बिछाई गई है। यहां से पूरे साल लोगों को पानी मिलता रहेगा। सरकारी जमीन की गलत बंदोबस्ती पर नपेंगे CEO। सरकारी जमीन की गलत बंदोबस्ती हुई तो इसके लिए CEO नपेंगे। बता दें कि राज्य में सरकारी जमीन की देखरेख करने और संभालने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित अंचलों के CEO की होगी। बता दें कि राजस्व विभाग ने सरकारी जमीन से जुड़े मसले का निपटारा गंभीरता से करने के लिए कहा है, ताकि सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद सरकारी जमीन से जुड़ा विवाद समाप्त हो जाए। दरअसल हाल ही में सर्वे निदेशक ने कई क्षेत्रीय कार्यालयों का भ्रमण किया था, के बाद पता चला कि सरकारी जमीनों को बचाने में अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद सख्त हिदायत
दी गई है। अगर इसके बावजूद गड़बड़ी पाई गई तो सीईओ से जवाब मांगा जाएगा। वहीं जिन जिन स्थानों पर सर्वे का कार्य पूरा होता जाएगा वहां की सरकारी जमीन अवैध कब्जा मुक्त कराया जाएगा। मगरमच्छ की दहशत में है यहाँ के लोग। बगहा के लोग बाघ के आतंक से उबड़े ही हैं कि अब मगरमच्छ के आतंक ने भागलपुर वासियों को दहशत में ला दिया है। बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत बटेश्वर स्थान के गंगा घाट पर मगरमच्छ को देखा गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं और आम लोगों में हड़कंप मच गया है। मछुआरों ने किसी तरह मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। बता दें कि बटेश्वर स्थान गंगा घाट पर रोज भारी तादाद में लोग पहुँचते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। मगरमच्छ मिलने की चर्चा सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह के इस्तीफे वाले अटकलों पर दी प्रतिक्रिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे वाले अटकलों के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, अगर ऐसा होता है तो वो मुझे जरूर बताते। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जगदानंद सिंह शामिल होंगे या नहीं, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह उनका फैसला होगा। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि वे आरजेडी के नेता हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन कौन क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार पर दाखिल हुए चार्जशीट पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जब कमजोर पड़ती है तब वह जांच एजेंसियों को आगे कर देती है। बीजेपी को पता है कि वह महागठबंधन के आगे टिक नहीं पाएगी, यही वजह है कि कभी सीबीआई तो कभी ईडी को आगे कर दिया जा रहा है। रिविलगंज से सिताब दियाड़ा के बीच बनेगा पीपा पुल। जयप्रकाश नारायण के शिष्य रह चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिले के रिविलगंज से जेपी के गांव सिताब दियाड़ा तक पीपा पुल बनाए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी की धरती पर यह घोषणा की। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में समानता और भाईचारे के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। इस दौरान नीतीश कुमार ने जेपी स्मृति भवन सह पुस्तकालय का निरीक्षण करने के दौरान सीएम ने पत्रकारों अफसरों और लोगों से बात की। सीएम ने कहा कि वह जेपी के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अडानी को लेकर भाजपा जदयू हुई आमने सामने। गौतम अडानी को लेकर भाजपा और जदयू में टकराव शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अडानी ग्रुप को उद्योग लगाने और निवेश के लिए बुलाने के मामले पर आमने सामने हैं। बीते दिन भाजपा नेता सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अडानी के प्रतिनिधि को बिहार इन्वेस्टर्स मीट में क्यों बुलाया गया? क्या अडानी कंपनी को बिहार में इन्वेस्ट करने की अनुमति बिहार सरकार नहीं देगी? इसके जवाब में जदयू प्रेसिडेंट ललन सिंह ने लिखा कि अडानी को जरूर बुलाएंगे लेकिन बिहार को चूज कर दुनिया का सबसे अमीर पूंजीपति बनने की अनुमति नहीं देंगे। कार्तिक कुमार की तस्वीर से बिहार में बवाल। अपहरण मामले में पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस वारंट लिए घूम रही है लेकिन कार्तिकेय सिंह फरार बताया जा रहे हैं, लेकिन मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। दरअसल भाजपा यह साबित कर रही है कि कार्तिकेय सिंह कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। दरअसल बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने एक ट्वीट में कार्तिकेय सिंह की तस्वीर साझा की है, जिसमें वो आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी के साथ मोकामा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हैं। उन्होंने साथ ही लिखा कि नीतीश कुमार की सुशासन पुलिस कार्तिक कुमार को ढूंढने में लगी है। निखिल आनंद ने कहा कि कार्तिक कुमार मोकामा में राजद प्रत्याशी के प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के अंधेर नगरी जैसा माहौल है जहां राजा की राजद के पॉकेट में है, ऐसी परिस्थिति में भला किस बात का डरना है। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, एक बार फिर लगे नारे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से नेता और कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए। भले ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के सवाल पर मुकर जाते हों लेकिन उनके नेता और कार्यकर्ता हमेशा इस बात के पक्ष में रहते हैं और उन्हें देश प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। वहीं सीएम नीतीश से जब भी इससे जुड़ा सवाल पूछा गया उन्होंने हर बार कहा कि ये सभी बेतुके बातें हैं। लालू यादव की आज होगी ताजपोशी, तेजस्वी को मिल सकती है यह जिम्मेदारी। लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी की जाएगी। 9-10 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है, जिसमें पार्टी के भविष्य के लिए नेताओं के साथ बैठक में मंथन होगा। इस बैठक में मुख्य रूप से लालू यादव की पुनः ताजपोशी का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 अक्टूबर को होगी। इसमें 12वीं बार लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा जाएगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली पार्टी के खुला अधिवेशन में 25 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं तेजस्वी यादव को भी संगठन में कुछ अहम जिम्मेवारी सौंपा जा सकता है। कहा जा रहा है कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
चार्जशीट दायर होने के बाद लालू राबड़ी के बचाव में उतरे नीतीश कुमार। नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाला मामले में घिरे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर भड़कते हुए दिखाई दिए। बीते दिन जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र के इशारे पर यह किया गया है। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले यह आरोप लगाया गया था, तब हमने राजद का साथ छोड़ा था, लेकिन 5 साल जब तक हम भाजपा के साथ रहे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब फिर से राजद के साथ आ गए हैं तो वही काम फिर से शुरू कर दिया गया है। इससे समझना बेहद आसान है कि यह क्यों किया जा रहा है। चिराग पासवान ने पिता और दादा की प्रतिमा का किया अनावरण। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि पर पैतृक गांव शहरबन्नी पहुंचे, जहां वह अपनी बड़ी और छोटी मां के साथ बनाए गए स्मारक स्थल पर पिता और दादा की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर रामविलास पासवान अमर रहे के नारों से गांव गूंज उठा। चिराग पासवान ने पिता और दादा को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने हाथ जोड़कर नमन किया। चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्मृति शेष से रामविलास पासवान के लिए कार्यों को पूरा देश याद रखेगा। आज हर हाथ में मोबाइल है, यह स्मृति शेष रामविलास पासवान की देन है जो उन्होंने संचार मंत्री रहते किया। भारतीय टीम के लिए आज होगा करो या मरो का मुकाबला। भारत बनाम साउथ अफ्रीका खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच भारत ने 9 रनों से गवा दिया और अब भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मैच रांची के जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आज खेलेगी। साउथ अफ्रीका टीम के लिए ये वनडे सीरीज बेहद अहम है क्योंकि उसके आईसीसी सुपर लीग अंक दांव पर लगे हुए हैं। मौजूद समय में वो 11वें स्थान पर है और 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई नहीं करने के खतरे में भी है, इसलिए किसी भी हाल में अफ्रीकी टीम ये सीरीज जीतना चाहेगी। साउथ अफ्रीका बनाम भारत दूसरा वनडे मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे शिखर धवन की अगुवाई में खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। शाहजहां और मुमताज महल नूर जहां का सबसे छोटा पुत्र मुराद बख्श का जन्म 1624 में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 में हुआ। भारत सरकार के गृह विभाग के कार्यवाहक सचिव विलियम एस मारिस का जन्म 1873 में हुआ। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता गोपबंधु दास का जन्म 1877 में हुआ। सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री मंजूर भक्त वत्सलम का जन्म 1897 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में हुआ। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का निधन 1988 में हुआ। भारतीय राजनेता कांशीराम का निधन 2006 में हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन का निधन 2015 में हुआ और आज ही के दिन भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे बेटियों को मिलने वाले 1.5 लाख की राशि के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली 1.5 लाख की राशि के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सरकारी गुरु नामक एक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना के तहत सभी बेटियों को 1.5 लाख की राशि मिलेगी। पीआईबी ने लिखा है कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। आदि पुरुष के मेकर्स पर बरसे रामायण फेम अरुण गोविल। फिल्म आदि पुरुष पर विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। टीजर रिलीज होने के बाद से इस पर राजनीति, पार्टियों, हिंदू संगठन और कलाकारों के रिएक्शन आ रहे हैं। आदि पुरुष के टीजर में रावण और हनुमान के लुक पर आपत्ति जताई जा रही है। फिल्म की कहानी रामायण पर आधारित है। टीवी सीरियल रामायण के एक्टर्स सुनील लहरी, दीपिका चिखलिया के बाद अब अरुण गोविल ने एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी। अरुण गोविल ने कहा कि मेकर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्रिएटिविटी के नाम पर वो धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। उन्होंने कहा कि यह केवल सनातन धर्म में ही देखा जाता है कि लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि अन्य धर्मों के साथ ऐसा नहीं होता। जल्द शुरू होगा ई रूपी का पायलट प्रोजेक्ट। आरबीआई ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ई रूपी के पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई के इस कदम से पैसों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा, साथ ही इससे डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल करेंसी को लेकर कहा कि ई रूपी का पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा, इसकी खूबियों और इससे होने वाले फायदे की भी जानकारी दी जाएगी। हमारा मानना है कि ई रूपी के आने से देश के लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक नया विकल्प मिलेगा, साथ ही इससे डिजिटल इकोनॉमी भी
तेजी से विकास करेगी। वहीं ई रुपए से पेमेंट सिस्टम भी मजबूत होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सलीम भाई, मिस्टर आशीष, मुन्ना कुमार, राम नंबी मांझी, पवन सिंह, रंजीत कुमार, तिंजय कुमार, पासवान जी, नीलम कुमारी, रणधीर कुमार, मौलाना जबीर, के सिन्हा, श्रवण कुमार और गुड़िया कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या भारतीय टीम आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज बचा पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।